हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जेल में एक बंदी को नशीला पदार्थ पहुंचाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। एक युवक फरार हो गया जिसकी तलाश कोतवाली पुलिस कर रही है। जेल में बंद स्वरूप दर्जी नामक बंदी को सामान पहुंचाने के बहाने दो युवक जेल परिसर में आए। जिनकी तलाश ली गई तो उनके कपड़े की सिलाई में नशीला पदार्थ MD छिपाया हुआ पाया गया, जिस पर जेल प्रशासन की ओर से कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं पर आज तीसरे युवक की तलाश जारी है। सर कोतवाल उगमराज सोनी ने बताया कि श्रवण कुमार नामक युवक गोविंद कुमार व सवाई राम को नशीला पदार्थ देकर स्वरूप को देने के लिए कहकर जेल के बाहर खड़ा था। इस दौरान उन दोनों की तलाशी के दौरान श्रवण कुमार वहां से मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। इस पूरे घटनाक्रम की जेल प्रशासन की ओर से हमें सूचना दी गई, जिस पर हमने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से आधा ग्राम MD बरामद हुई है और कोतवाली पुलिस द्वारा फरार श्रवण कुमार की तलाश जारी है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। गौरतलब है कि 8 माह पूर्व बाड़मेर जेल में ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत जेल परिसर में एक आरोपी से 18 ग्राम अवैध दूध बरामद किया था। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कोतवाल के उगमराज सोनी, इन्होंने ये कहा, जेल से कल शाम के टाइम इतला मिली थी जेल साहब के माध्यम से। उन्होंने कहा कोई दो लड़के है जो सस्पेक्ट है, वो सप्ताह उनके पास कोई अवैध चीज हो, जिस पर हमने जाके वहाँ उनकी तलाशी ली तो उनके पास 52 मिलीग्राम वो MD नस्ली चीज थी, तो वो बरामद हुई। उनको श्रवण नाम का कोई माड़ी है, वो इन गोविंद राम और सोई राम को देके वहाँ से भग गया। तो इनको दोनों को तो हमने हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है, श्रवण की तलाश कर रहे हैं। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।